नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज में मेहरोज आपके साथ। आपको बताते चले अभी अभी निकल कर आ रही है बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बताते चले कि कुलदीप रावत एडवोकेट के हत्या हुई थी, उसी के संबंध में सभी वकील जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। वकीलों का कहना है कि कुलदीप रावत एडवोकेट के हत्यारों को गिरफ्तार कर तत्काल जेल भेजा जाए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, 72 घंटे हो गए हैं। और आपको बता दें कि वकीलों का कहना है कि अगर आज हमें न्याय नहीं तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। अब देखना ये है कि शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल आइए देखते हैं मोहम्मद इमामुल के इस खास रिपोर्ट में और समझते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। और बने रहे हमारे न्यूज़ के साथ। क्योंकि हत्यारों की गिरफ्तारी हो, और उन हत्यारों को पुलिस ने 72 घंटा बीत गया है अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, घटना का खुलासा भी नहीं किया। साथियों, मैं आपको आगाह बताना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन के लोग पूरी तरह से इस हत्या के राज पर पूरी मांस धारण किए हुए हैं। अगर जरा से तेजी लाए होते तो 24 घंटे के अंदर कप्तान साहब ने आश्वासन दिया था कि खुलासा हो जाएगा। अभी तक प्रशासन ने इस ओर कड़ाई से कोई सख्त कार्रवाई नहीं किया है। हमारे आपके लिए साथियों, अधिवक्ता समाज के लिए, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं से सामंतों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, सामंतों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, हमारे आप सब के भी सामने खतरा मंडरा रहा है। आज साथियों, कुलदीप रावत की घटना को लेकर के जिस तरह से लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिस तरह से लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, साथियों इसमें हमको आप एकजुट होने की ज़रूरत है। और जिलाधिकारी और प्रशासन के लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि इस घटना का तत्काल खुलासा हो और ये ज्ञापन पत्र आज अधिवक्ता साथियों की तरफ से यह तैयार किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से 3 सूत्रीय मांग मैं प्रशासन के सामने बाबू नरेंद्र वर्मा जी और सभी साथियों के सहयोग से सामूहिक हस्ताक्षर से यह जा रहा है। इसमें हमने नंबर 1 पर मांग रखी है कि कुलदीप के हत्यारों हत्या के राज का पर्दाफाश हो और जो लोग इसमें दोषी हों, जो लोग इसमें घटना में शामिल रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और जो लोग दोषी हो गए हैं उनके खिलाफ गुंडा गैंगस्टर की भी कार्रवाई प्रशासन के लोग करें। केवल जेल भेजने से काम नहीं चलेगा। और मृतक परिवार, जो हमारा साथी है अधिवक्ता कुलदीप रावत, उसके परिजनों को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कोष से, मुख्यमंत्री कोष से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, और उसके परिजन को उसके मासूम बच्चे को जिंदगी जीने के लिए 10 बीघे जमीन उपलब्ध कराई जाए। साथियों, ये 3 सूत्रीय ज्ञापन पत्र आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भेजने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से आप सब लोग एकजुट रहे तो मृतक कुलदीप के परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। साथियों, इसी क्रम में हमारे बीच में भाई पवराम प्रकाश जी, बाराबंकी के एक जूनियर अधिवक्ता हैं कुलदीप रावत एडवोकेट, छिद्दापुरवा के रहने वाले हैं। 3 दिन पहले उनकी निर्मम हत्या गला काट करके ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से चंद दूरी पर की गई। पुलिस ने कुछ मुलजिमानों को पकड़ करके उसी दिन से थाने में बैठा रखा है। 36 घंटे हो गए हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर हम खुलासा करके बैठ देंगे, आज 72 घंटे ज़्यादा हो गया है। यहाँ तक कि हम लोगों को सूचना मिली है कि इसमें कुछ सत्ताधारी लोगों को इन्वॉल्व हैं, किसी वजह से उनको छोड़ने के लिए, निर्दोष को फंसाने के लिए एक कहानी बनाई जा रही। आज हम लोग इसी पर माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि जो मुलजिम है वास्तविक, उनको गिरफ्तार किया जाए। हम ये नहीं चाहते निर्दोष आदमी को आप जेल भेजें, लेकिन जो दोषी है उसको आप तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजें। हमारे जो बाबा साहब का संविधान है उसमें लिखा है कि अगर मुलजिम 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाता है तो 24 घंटे के अंदर आप सक्षम न्यायालय पर रिमांड पेश करेंगे। आज 32 घंटे से ज़्यादा हो गया है। हमारी कोतवाली पुलिस पता नहीं किस कार्य में जुटी हुई है। हम आज इसी लिए सारे अधिवक्ता आंदोलित हैं और हमारे बार के भी पदाधिकारी बराबर संपर्क में हैं, लेकिन किन कारणों से अभी तक चालान नहीं हुआ, जिससे हमारे अधिवक्ता भाई काफ़ी आक्रोशित हैं। अगर आज 4 बजे तक रिमांड नहीं आया तो कर से व्यापक धरना प्रदर्शन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने समस्त अधिवक्ता कामकाज बंद करके करेंगे, ऐसी हमारे की सोच है, ऐसी मांग है। यहाँ क्या आश्वासन मिला? यहाँ हमारे जो प्रतिनिधि है उन्होंने कहा कि हम ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को भेज देंगे और जैसा सूचना मिल रही है लाइव से कि आज कुछ न कुछ हो जाएगा, तो हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कल देखा जाएगा, बाकी काम पुलिस प्रशासन झेलेगा। हम लोगों का जो काम है वो हम करेंगे।